रुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए, अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है, और राजस्थान तो खुद इसका भुक्त भोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे, और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए, तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? भाइयों, कुछ दिन पहले ही रामनवमी बीती है, कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांति से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजस्थान में, वरना पहले और चुनाव की आपाधापी गर्मी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने तो, और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम साथ से होता है, राम राम साथ। कोई किसी को मिले तो पहले मूल से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। और हमारे किरोड़ी लाल ऐसे हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते थे, कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? कैसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। साथियों, अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा, और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने, कांग्रेस
आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। दो तीन दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुलकर के राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा, दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी, उनकी सरकार कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास दो घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है, तो एक्सरे करेंगे कि भाई दो घर है, एक वापस दो सरकार को दे दो, बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगल सूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत? भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए। भाइयों, अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश के में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी एसटी ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते, मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था, कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है।
2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आम्बेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया, और जिनका हक था उनका हित सुरक्षित रखा। तो कांग्रेस पूरे देश में आग बबूला हो गई, ये मोदी समझता क्या है? अरे मोदी संविधान को समझता है, मोदी संविधान को समर्पित है, मोदी बाबा साहब आम्बेडकर की पूजा करने वाला व्यक्ति है। साथियों, सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को